नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम पार्ट टू देखने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, बराबर है। लास्ट लेक्चर में हमने मेटल्स और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, आज हम उसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। दो प्रॉपर्टीज देखी थी, एक ऑक्सीजन के साथ और एक वाटर के साथ। आज हम देखने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, ओके, एक्सेप्ट अ फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल सच एज कॉपर, मर्क्यूरी, एजी मतलब सिल्वर, एयू मतलब गोल्ड, प्लेटिनम, ऑल मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये रहा उसका रिएक्शन, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। देखो तीन टाइप के मेटल्स आते हैं, वेरी रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव को छोड़ के बाकी सारे जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। जैसे देखो जिंक है, वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस H2, क्योंकि जिंक और क्लोरीन, जिंक का 2 होता है, क्लोरीन का 1, रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, ZnCl2 बना, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ओके। ये बेसिक रिएक्शन है, ओके बेटा, लिख लिया सब लोगों ने, ओके आगे बढ़ते हैं। अब एसिड में दूसरे टाइप का भी एसिड आता है जिसका नाम है HNO3। हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, उसमें HCl और H2SO4 है, वो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, बराबर है, वेरेज HNO3 है वो वीक एसिड है, ओके। तो HNO3 के साथ वो कैसे रिएक्ट करेगा, सी हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड मोस्ट आयन। क्यों रिएक्ट नहीं होता है, दिस इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड। जनरली रिएक्ट क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, बट हाइड्रोजन की जगह पे ये HNO3 है वो काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब अपना ऑक्सीजन देगा, वो हाइड्रोजन को, जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ उसको ऑक्सीजन देगा तो वो क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। It oxidizes the H2 produced to water and itself get reduced to form nitrogen oxide. N2O बन सकता है, NO बन सकता है या NO2 बन सकता है, इन तीनों में वो कुछ भी बन सकता है। समझ में आया, वो टूट के क्या बनेगा, वाटर के साथ साथ वो NO2 और N2O बना देगा, BUT, एक ही हुआ है। But magnesium and manganese react with dilute HNO3 तो इवॉल्व हो गया, उसमें भी एक्सेप्शन, मैंगनीज और मैग्नीशियम को छोड़ के बाकी सारे मेटल इस हिसाब से रिएक्ट करते हैं, बट मैंगनीज और मैग्नीशियम HNO3 के साथ सॉल्ट और H2 ही बनाएंगे। वेरेज और कोई, मान लो जिंक ले लो, तो जिंक प्लस HNO3 गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस NO2 या N2O प्लस H2O, बराबर, ये गैस होता है। देखो इसके बाजू में एरो है इसलिए गैस होता है, बट इसमें भी एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन, Mn और Mg, Mn स्टैंड्स फॉर मैंगनीज, Mg स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम, ओके। मैंगनीज और मैग्नीशियम को छोड़ के बाकी सारे इसी हिसाब से रिएक्ट करें, मैंगनीज मैग्नीशियम वो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन देने नहीं देगा, वो अपने पास ऑक्सीजन पकड़ के रखेगा, समझ रहे हो। ये क्यों वाटर बन जा रहा है, बिकॉज HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए जो H2 बना उसको ऑक्सीजन दे देगा, जैसे मैंने आपको डिटेल में समझाया, ठीक है बेटा, पक्का, ओके, चल पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, आगे बढ़ो। स्पेशल नोट सिर्फ याद रखने के लिए, एक्वा रिजिया, लैटिन वर्ड फॉर रॉयल वाटर। गोल्ड जो है वो एसिड में भी रिएक्ट नहीं होता है, गोल्ड को और किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होता, तो गोल्ड को पिघलाया कैसे जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है, तो उसको ये एक्वा रिजिया है ना, ये सारे गोल्ड स्मिथ मतलब जो सोनी की दुकान वाले होते हैं वो यूज कर रहे हैं। इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो 3:1, कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3, ये तीन पार्ट और ये वन पार्ट, मतलब अगर 100 ग्राम हमने प्रिपेयर किया तो उसमें 75 ग्राम क्या होगा, कंसंट्रेटेड HCl, और 25 ग्राम क्या होगा, कंसंट्रेटेड HNO3।
मिला कैसे बनेगा? देखो उसके अंदर ये मैंने गोल्ड का पीस डाल दिया तो वो सारा पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। इट कैन डिजॉल्व गोल्ड एंड इवन दो नाइदर टू दिस एसिड कैन डू एज अलोन, ना वो अकेला नाइट्रिक एसिड उस गोल्ड को पिघला सकता है, ना एच सी एल अकेला गोल्ड को पिघला सकता है, बट दोनों का मिक्सर पिघला सकता है। एक्वारीजिया इज हाईली करोजिव फ्यूमिंग लिक्विड, करोजिव मतलब पूरा पिछले वो हाथ पे बिगड़ेगा तो पूरे हाथ को जला देगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओके, इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज एबल टू डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड के साथ साथ वो प्लेटिनम को भी डिजोल्व कर सकता है। क्लियर हुआ? ये नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। ओके, फोर रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने देखा है, रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस अ कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वियस सॉल्यूशन और इन मोल्टन फॉर्म। जैसा मेटल प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी गिव सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी। देखो ये कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है एजी, हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया था, तो कॉपर क्या करेगा एजी को उकाड़ फेंकेगा। तो एजी क्या करेगा बेचारा, एजी अकेला घूमता रहेगा बाहर। ओके डन, ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब आ जाती है रिएक्टिविटी सीरीज। इसकी डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है, डेफिनेशन मोस्ट आईएमपी है, ठीक है बेटा याद कर लेना। द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एक्टिविटी। देखो सबसे ऊपर स्ट्रॉन्ग रिएक्ट, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और जैसे नीचे आप आओगे उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन टिन लीड, ये काफ़ी रिएक्टिव हैं जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव। आप बोलो सर हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है। हाँ मेटल नहीं है, आपको मैं आपको फिफ्थ चैप्टर जब कराऊंगा ना तब मैं बताऊंगा कि हाइड्रोजन मेटल की तरह भी बिहेव करता है, नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है, इसलिए उसको हमेशा अकेला रखते हैं, वो स्पेशल एक टाइप का एलिमेंट है। बट कंपेरिजन के लिए हम हमेशा कोई भी चीज़ कंपेयर करते हैं तो वो किसी के साथ करते हैं ना, तो सारे मेटल को हम हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करते हैं। तो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव और हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव, ओके, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड ये सारे, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन टिन लेड एक्सेट्रा सारी चीजें। ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्ट रिलेटिव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, रिलेटिव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो जाएगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है कि मेटल ही उसे कहते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। सो जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम। ओके, टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड द रिएक्टिव नेचर, उसके जो रिएक्टिव नेचर को हम क्या बोलेंगे उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि भाई इसके रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। मेटल्स आर अरेंज्ड इन अ सीरीज एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। दो चीजों पे, सबसे पहले कितना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कितना जल्दी वो रिएक्ट करेगा, उस हिसाब से हम मेटल को अरेंज करेंगे, उस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, उस सीरीज को हम एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज बोलेंगे। आया समझ में? पक्का? चलो लिख लिया बेटा, आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल, अब मेटल सारे खत्म हो गए, नॉन मेटल, मेटल्स कौन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो नॉन मेटल्स कौन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। दीज एलिमेंट विच फॉर्म अ नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड नॉन मेटल। मेटल लूज किया तो सॉरी इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो एक पॉजिटिव बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। जो भी आपने नेगेटिव चीज लिया तो आपके पास एक माइनस चार्ज बढ़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयंस बन जाएंगे। एग्जांपल्स कौन से हैं, आयोडीन सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक्सेट्रा। अब देखो हाइड्रोजन इधर मैंने आपको पहले ही बताया कि हाइड्रोजन मेटल में भी आता है और नॉन मेटल में भी आता है। नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड्स और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन इज अ लिक्विड, ये याद रख लेना, ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है और वो है ब्रोमीन। जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देखा था, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, कोई भी नॉन मेटल को आप मैलेबल मतलब क्या,
मेलेबल मतलब उसको थिन शीट में आप उसको नहीं कर सकते, डक्टिलिटी मतलब क्या उसको आप वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरा ब्रिटलनेस, नॉन मेटल्स आप ब्रिटल, ब्रिटल मतलब टूट जाते हैं, वो बहुत ही ग्लास की तरह होते हैं, तो जैसे गिरा वो टूट जाता है। ओके फॉर इंस्टेंस सल्फर इज अ ब्रिटल सॉलिड, इट इफ इट इज हैमर्ड उसको ठोका जाएगा तो इट ब्रेक्स इन टू पीसेस। अब लोग सल्फर सॉलिड, हाँ नॉन मेटल सॉलिड होते हैं गैस होते हैं बट एक्सेप्ट ब्रोमीन जो लिक्विड होता है। तीसरा फिजिकल स्टेट, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉफ्ट इफ सॉलिड, जो सॉलिड होंगे सॉफ्ट होंगे। ओनली डायमंड, डायमंड भी देखो मेटल नहीं है, डायमंड एक एलोट्रॉप, एलोट्रॉप मतलब एक कार्बन का फॉर्म है जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। वो क्यों है तो वो फोर्थ चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टी है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। नेक्स्ट लस्टर, लस्टर मतलब शाइन। एक ही एलिमेंट ऐसा है जो शाइन करता है नॉन मेटल और उसका नाम है आयोडीन, बराबर है। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर दैट इज शाइनिंग सरफेस, हाउएवर डायमंड ग्रेफाइट, देखो डायमंड और ग्रेफाइट में आपको बात बताऊं तो डायमंड और ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल्स नहीं है, वो कार्बन के पार्ट है, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। बट जो नॉन मेटल, जो प्योरली नॉन मेटल अपना क्या बोल सकते हैं लस्टरस है, वो आयोडीन है। अब डायमंड और ग्रेफाइट लिखो तो बाजू में लिखना पड़ेगा आपको एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, इवन दो दे आर नॉन मेटल, सिर्फ आयोडीन डायमंड और ग्रेफाइट होते हैं। तीसरा इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी, नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर एक्सेप्ट ग्रेफाइट, जो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है वो गुड कंडक्टर। एक्सेप्ट मतलब सारे एक्सेप्शन, सारे एक्सेप्शन आपको लर्न कर लेने बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जनरली नॉन मेटल्स हैव low melting and boiling points, but non-metals that are solids have comparatively higher boiling point. जो solids होंगे उनके boiling point जो gases होंगे उससे comparison में high होंगे, जैसे B for boron, Si for silicon and C for carbon. Okay बेटा इतना clear हुआ, पक्का? चलो आगे बढ़। अब chemical properties of non-metal, जैसे मेटल्स की बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी थी, नॉन मेटल की इतनी सारी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, स्टीम और डायल्यूट एसिड, ना वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना स्टीम के साथ, ना डायल्यूट एसिड के साथ। द रीजन इज दैट दे एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड कैन नॉट सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू दैट प्लस आयन, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे देंगे। और देखो वाटर मतलब एच, डायल्यूट एसिड मतलब एच, सब में एच आता है, तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या करेगा, जो मेटल होगा वो लूज करेगा और एच उसे ले लेगा, इसलिए वो रिएक्ट करेंगे। पर यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, उनको तो वो कैसे लूज करेंगे, उनको तो चाहिए, नॉन मेटल्स मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाले। ओके एंड रिड्यूस देम टू हाइड्रोजन गैस, बट ऑन हीटिंग रेडिली फॉर्म ऑक्साइड्स और सॉल्ट्स विद कंसंट्रेटेड एसिड, सिर्फ एक ही के साथ वो रिएक्ट करते हैं, उसका नाम है कंसंट्रेटेड एसिड को हीट करो तो ही। जैसे देखो सल्फर है, उसको आप कंसेंट्रेटेड एसिड के साथ हीट करो, क्या बनाएगा वो, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल सल्फर है, आप उसको नाइट्रिक एसिड कंसेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करो, क्या बनेगा, H2SO4 एंड 6NO2, दैट इज रेडिश ब्राउन वेपर, याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है। ओके नॉन मेटल्स ऑल्सो शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लाइक मेटल, जैसे Cl2+2NaBr, NaCl बन जाएगा, Cl है वो Br की जगह ले लेगा और Br बेचारा अकेला घूमता रहेगा क्योंकि Cl ज्यादा रिएक्टिव है कंपैरिजन टू Br। डन। ओके सो ये बहुत ही इजी और एक ही प्रॉपर्टी है, आपको उसके अलावा और कोई प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी है, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, दैट इज आयंस बनाते हैं। देखो दो टाइप के रिएक्शंस हो सकते हैं, एक रिएक्शन शेयर करके उसको कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं, जो हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। एक होगा लूज और गेन करके, आपको पता है कि भैया जो मेटल होता है वो लूज करेगा तो नॉन मेटल उसे क्या करेगा, ये जो लूज करेगा उसे गेन कर देगा। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक आयोनिक बॉन्ड से एक कंपाउंड बना देंगे और उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे बेटा,
उस कंपाउंड को हम बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड, ठीक है पक्का। ईच एलिमेंट वॉन्ट्स टू हैव अ कंप्लीटली फिल्ड बैलेंस सेल, ये सबका कोई भी एलिमेंट हो उसका एक ही धर्म है, तो कंप्लीटली फिल ऑक्टेट, उसका ऑक्टेट फुल होना चाहिए। दैट इज इट वॉन्ट्स टू हैव आइदर टू और एट इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, बराबर है। मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। व्हेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर, बोथ ऑफ देम ट्राइज टू अचीव कंप्लीटली फिल्ड, गिल्ड नहीं है, फिल्ड आउटर मोस्ट शेल बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे कि भाई जितना मान लो कि भाई ये एक बंदा है और दूसरा ये बंदा है, ये जितना लूज करेगा उसने गेन कर दिया, मतलब मान लो इसको 5 रुपए चाहिए और इसके पास 5 रुपए एक्स्ट्रा, ये इसको दे देगा, दोनों का काम हो गया ना। बस यही चीज कौन करता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स करते हैं। कैसे करते हैं वो हम पहले देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे NaCl के बारे में। Na आपको पता है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है 281, Cl उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आता है 287। Na किस हिसाब से रिएक्ट करेगा, Na जो रिएक्ट Na है वो Na प्लस बन जाएगा क्योंकि उसके एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, बराबर है, तो प्लस बन गया। वैसे ही वो Cl, वो एक इलेक्ट्रॉन लेके वो क्या बन जाएगा, Cl माइनस। जो इलेक्ट्रॉन Na ने दिया वो इलेक्ट्रॉन Cl ने ले लिया, Cl माइनस, क्योंकि उसको Cl के पास देखो 287 है, मतलब उसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वो इलेक्ट्रॉन उसे कहां से मिला, Na से। ये Na अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, समझ में आया। तो किस हिसाब से उनका रिएक्शन होता है, उनका रिएक्शन इस हिसाब से होता है, Na बराबर है, इसको हम प्लस लिख लेते हैं, प्लस Cl, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, प्लस Cl के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में। ये इलेक्ट्रॉन वो किसको दे देगा, Cl को दे देगा। तो Na क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा प्लस और Cl क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा माइनस। अब Cl के पास देखोगे तो 8 हो गए, बराबर है। दैट इज वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, Na प्लस Cl विल गिव यू Na प्लस और Cl माइनस, इस हिसाब से बनाएंगे। ये है उनका रिएक्शन, समझ में आया बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, समझ रहे हो। NaCl कैसे बनता है वो आपको बताना है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आपने देखा बेटा कि ये जो बॉन्ड्स बनाते हैं वो बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आयोनिक और इलेक्ट्रो, अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। एक से दूसरे को वो ट्रांसफर करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे, और वो कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड। अ मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटायंस, मेटल है वो लूज करके भी क्या बनाएगा, कैटायंस, नाम याद रखना। And a non-metal gain electron to form anions. Okay, it means an ionic bond is formed between a metal and non-metal. समझ में आया? एक और example लेते हैं MgCl2 का। पहला हमने NaCl का लिया, अब MgCl2 का लेते हैं। चल, Mg बराबर है, इसका outermost electronic configuration है 282। Cl का कितना है, 287। देखो प्रॉब्लम हो गया ना, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो इसको तो सिर्फ एक ही दे सकता है, तो रिमेनिंग एक को वो क्या करेगा, तो उसको मैं समझाता हूँ वो कैसे, वो रिमेनिंग एक को क्या करेगा। अब देखो Mg कौन सा बंदा है, पता है Mg क्या करेगा, Mg के पास 282 है, वो अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसलिए वो Mg2+ बन जाएगा। अब Cl तो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए वो Cl माइनस बना, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो Mg है ना वो बहुत चालाक बंदा है, Mg क्या बोलेगा कि भैया तुम्हें मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा,
बट मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास पड़ा है, उसका मैं क्या करूं? मैं तब तक नहीं दूंगा जब तक मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली कोई ले नहीं जाता। तो सीएल बोलेगा कि भैया मुझे तो एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एमजी बोलेगा कुछ भी करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तो सीएल क्या करेगा, फोन ऑफ फ्रेंड करेगा, अपने फ्रेंड को फोन लगाएगा, फोन ऑफ फ्रेंड, ठीक है, कि दूसरे सीएल को फोन लगाएगा, भाई अपने को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तू जल्दी से आ जा, मैं तो लेके बैठा हूँ, अब तेरी बारी है, तेरा फ्रेंड हूँ इसलिए तुझे मैं फोन करके बता रहा हूँ। सीधा फोन ऑफ फ्रेंड किया, दूसरा दूसरा क्लोरीन आया, दूसरा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस हिसाब से एमजी, देखो एमजी के पास लास्ट में दो है, वो एक क्लोरीन, ये तो क्लोरीन अपना वाला है, ठीक है, ये क्लोरीन अपना वाला है इसके पास है, वो दूसरे क्लोरीन को भी बुला लेगा कि भाई अपना काम हो रहा है तू जल्दी से आ जा। ये एमजी अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये दूसरा इसको देगा, अब क्या बन जाएगा, एमजी टू प्लस और क्लोरीन क्या बन जाएगा, क्लोरीन एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ माइनस और टू, दो क्लोरीन यूज हो रहे हैं ना, इसलिए हम क्या बोलेंगे, एम जी प्लस टू सी एल गिव्स एम जी सी एल टू, एम जी प्लस सी एल टू, टू सी एल नहीं होता है, सी एल टू हमेशा क्लोरीन सी एल टू के फॉर्म में, समझ में आ गया, इस हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं, ये उसका एक्चुअल रिएक्शन है। बट वो होता क्या है कि भाई एक वो अपने एक अपने आप रिएक्ट करके दूसरा दूसरे को बुला लेगा, भाई आ जाओ आ जाओ अपना काम हो गया, एक ले लिया और दूसरा दूसरे को दे देगा, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी उसका फिजिकल नेचर, सारे आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। हमने अभी देखा Na प्लस है और Cl माइनस है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, काफी स्ट्रांग होगा, तो इसलिए वो जो क्रिस्टल्स हैं वो काफी हार्ड क्रिस्टल्स हैं, देखो ऐसे बनता है NaCl NaCl NaCl, ओके। एंड दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल, ब्रिटल मतलब बहुत ही नाजुक होते हैं कि भी उसको जोर से हैमर करो तो ब्रेक इन टू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। आपने नमक घर पे देखा होगा, बट एक्चुअल नमक है ना जो और ओशन से निकल रहा है ना, इतना बड़ा बड़ा होता है, उसके पीछे जरा सा भी प्रेशराइज करो वो टूट जाता है, ओके। चलो उसकी दूसरी प्रॉपर्टी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग इंट्रायनिक अट्रैक्शन। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट करेंगे ना, बस ऐसे, ओके। उनको काफी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इंटरायनिक अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। तीसरा सॉल्युबिलिटी, दिस कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, आयनिक कंपाउंड सारे, इसलिए देखो ना NaCl है, उसको पानी में डालोगे वो बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, क्या बन जाएगा, NaOH plus HCl, ऐसे बनता है ना, मिक्स हो जाता है वो, इजीली सॉल्युबल हो जाता है। मैं रिएक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सॉल्युबल की बात कर रहा हूं, मिक्स हो जाना। Whereas आप देखोगे एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मतलब कौन से, केरोसिन, बेंजीन, ईथर, पेट्रोल, पेट्रोल के अंदर आप देखो, पेट्रोल तो आपके पास होगा, केरोसिन भी होगा, तो एक काम करो, नमक है उसको पेट्रोल में डालो या केरोसिन में डालो और नमक को पानी में डालो, कौन मिक्स हो जाएगा, पानी वाला। एज वाटर इज पोलर इन नेचर, इट हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ अपोजिटली, पोलर मतलब जिनके पास पोल्स है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो NaCl भी किससे बना हुआ, एक प्लस और एक माइनस है, तो उनको वो अलग अलग कर सकता है, क्योंकि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को खींचेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को खींचेगा। बट इज नॉन पोलर मतलब उनके पास पोल्स ही नहीं, वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल वो क्या करेंगे, तुमको अलग होना है तो हो, नहीं होना तो कुछ नहीं। पोलर मतलब समझे, H2O जो होता है ना एक्चुअली पोलर, मतलब उनके पास एक प्लस और माइनस होता है। अब देखो ये NaCl, Na प्लस और Cl माइनस है, तो ये इसके पास अट्रैक्ट होगा, ये इसके पास अट्रैक्ट होगा। बट केरोसिन है वो नॉन पोलर है, वो NaCl को क्या बोलेगा, भाई तुम्हें अट्रैक्ट होना है तो ठीक है, नहीं होना तो मुझे क्या लेना है, बेटा लिख लिया, आगे बढ़े। नेक्स्ट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं, ठीक है। आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन मोल्टन फॉर्म और इन द एक्वस सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या, फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब कब चार्ज फ्लो होंगे। अब देखो NaCl है वो एक क्रिस्टल है,
उसमें से करंट करंट पास नहीं होगा, बट जैसे ही आपने उसको पानी में डाल दिया तो वो Na प्लस और Cl माइनस टूट जाएगा, जैसे सॉल्युबल हो गया ना। अब आयंस बन गए, देखो अब आयंस बन गए तो वो क्या करेगा, वो आयंस ट्रांसफर होंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, इसलिए क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयोनिक कंपोनेंट वाटर कंटेंस आयन व्हिच मूव्स टू अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू इट। ओके, इन मोल्टन फॉर्म मतलब लिक्विड फॉर्म द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू हीट। तब बोलोगे सर वो एक प्लस और एक माइनस अपने आप को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, उसका रीजन है पानी में उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। दिस इज द रीजन ड्यू टू व्हिच आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म बिकॉज़ मूवमेंट ऑफ आयन इन सॉलिड स्टेट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द रिजिड स्ट्रक्चर। क्रिस्टल्स होंगे, क्रिस्टल के अंदर आयंस अट्रैक्टेड है तो वो एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, इसलिए पास नहीं करेंगे। जैसे पानी में डाल दिया आयंस अलग हो गए, अब नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा, मूवमेंट उनकी स्टार्ट हो जाए। आ गया समझ में बेटा, पक्का? सॉरी, ये देखो उसका डायग्राम, ये डिस्टिल्ड वाटर है, पहला डायग्राम डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर पानी, प्योर पानी कनेक्ट नहीं करेगा। यह है NaCl है, नहीं करेगा। अब पानी और NaCl को मिक्स कर दिया तो देखो Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, तो Na वाला पॉजिटिव के पास जाएगा, Na वाला नेगेटिव के पास जाएगा और Cl वाला पॉजिटिव के पास जाएगा, यहाँ पे वो कंडक्ट करेंगे, कंडक्ट करेंगे समझ रहे, कंडक्ट मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बल्ब ग्लो होगा, समझ रहे हो, पक्का? नेक्स्ट, ये हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं आज के लिए, बाकी इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अकरेंस ऑफ मेटल्स, द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स, आप जानते हो आयरन, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। सी वाटर ऑल्सो कंटेन सॉल्युबल लाइक सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। सी वाटर में भी होता है बट कम होता है। The elements or compounds which occur naturally in the earth crust are known as minerals. जो compounds naturally earth crust के अंदर होते हैं, naturally पड़े रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, minerals बोलते हैं। Whereas those minerals from which metals can be extracted profitably, but वो minerals जिनसे और निकल सकता है, और मतलब जिसको आप metals में convert कर सकते हो, iron इतना सारा पड़ा है बट उससे आपको आयरन निकालने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो वो उसका मिनरल तो है बट वो और नहीं, बट एक जगह पे आयरन का मिनरल पड़ा है बट उससे आप इजीली आयरन निकाल सकते हो। आयरन का मिनरल मतलब क्या पता है, प्योर आयरन नहीं, आयरन किसके साथ नहीं, फिर हमें तो प्योर आयरन चाहिए, तो उसको फिर वो पूरा सा क्या करना पड़ेगा, साफ सफाई करना पड़ेगा, उसमें से आयरन को निकालना पड़ेगा, वो सब जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो वो मिनरल्स जो आप उसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उसे हम क्या कहेंगे, ओर्स कहेंगे। ये देखो ये मिनरल्स हैं, ये जो पहले तीन मिनरल्स हैं ना ये आयरन के मिनरल्स हैं, ये जो मिनरल है वो ये दोनों वो एल्यूमिनियम के मिनरल्स हैं, भाई इसे एल्यूमिनियम भी कहा जाता है। मैं आपको कल एक स्टोरी बताऊंगा एल्यूमिनियम की, क्योंकि बिफोर 1900 एल्यूमिनियम वॉज मोर कॉस्टली देन गोल्ड, गोल्ड से भी कॉस्टली था, क्यों था, कैसा था, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ऐसे होते हैं मिनरल, ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, हमने देख लिया रिएक्टिविटी सीरीज तीन होती है, एक हाई रिएक्टिविटी, एक मीडियम रिएक्टिविटी, एक लो रिएक्टिविटी। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, बराबर है। सम मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट व्हाइल सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। देखो बेटा मुझे पता नहीं है कि किसके सिलेबस में ये कट हुआ है, किसके सिलेबस में कट नहीं है, बट मेरा काम है, CBSE और गुजरात बोर्ड दोनों ने बोला कि आपको पढ़ाना सब कुछ है, पूछेंगे हम कम, इसलिए आपको मैंने PDF भेज दी है, तो आप देख लेना कि भाई किनको ये आने वाला है किनको नहीं आने वाला। मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, मेरा फर्ज है मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, आपको नहीं पढ़ना वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या है कि भाई प्योर मेटल निकालना, और से और मतलब कचरे वाले के साथ, अब उसमें से कचरा रिमूव करके प्योर मेटल निकालना, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अर्थ के क्रस्ट में बहुत सारे मेटल्स फ्रीली अवेलेबल होते हैं,
फ्रीली मतलब इजीली आप उसको निकाल के यूज कर सकते हो। सम मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट व्हाइल सम आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड के फॉर्मेट में होते तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। द मेटल्स प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव सो दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, कॉपर है, वो फ्री स्टेट में होता है। कॉपर फिर भी फ्री स्टेट में कभी कभी नहीं होता, बट गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम तो ऑलमोस्ट फ्री स्टेट में होते हैं। उनको एक ही स्टेप में उनके ऊपर से जो धूल मिट्टी और सब कचरा निकाल के उनको प्योरीफाई कर लेना हो गया। वेयर इज द मेटल्स एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, कौन से? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आर, अर्नी, रेनी, आर, हाईली रिएक्टिव, सो दे आर फाउंड इन नेचर एज, दे आर नॉट फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट। वो हमेशा कंपाउंड में होते हैं, किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करते हैं। वेयर इज द मेटल्स इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव एंड दे आर फाउंड एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट। हमेशा यहाँ तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, या सल्फर के साथ, या कार्बोनेट, तीन के साथ, बाकी ये तो सबके साथ रिएक्ट कर लेते हैं इन द अर्थ क्रस्ट। और जो मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स एज ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड एबंडेंट इन द अर्थ। इन सब में से सबसे ज्यादा और ऑक्साइड्स के होते हैं। इवन देखो हमने एग्जाम्पल भी देख लिया है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये Fe2O3। आप देखो ये क्या है आपका, ये Fe2O3, ये Fe3O4 है, पढ़ाई करी होगी तो आपको पता होगा नाइट्रोजन साइकिल के, वो नाइट्रोजन बहुत ही इनर्ट गैस है। इनर्ट मतलब वो ज्यादा जल्दी रिएक्ट करता नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्शन किसके साथ होता है, ऑक्सीजन के साथ। ओके, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर फोर्थ लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज देख लेंगे। ओके, टिल देन अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, एंड टेक केयर बेटा।